अगर आपकी आंखें रात के 1 बजे से 3 बजे के आसपास खुलती है तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जानिए कैसे यह दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है। ऐसे ही हम आपको बताएंगे 1 बजे से 3 बजे तक समय अशुभ समय क्यों माना जाता है, क्यों इस समय आंखें खुलने पर नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। यदि आप 1 से 3 बजे के बीच अगर आप उठते हैं या जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक क्रोध से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में जानते हैं रात में आखिर, तो चलिए आज जानते हैं ऐसा क्या है। आधी रात के समय में ना ही किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, ना ही कोई शोर शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं। ऐसे में सूर्य उदय भी नहीं होता। इसी कारण ये समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में ये ऊर्जा 100 गुना शक्तिशाली होता है और इसी समय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार के साधना करते हैं, जैसा कि बलि देना और गुप्त साधना करना शामिल है। रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक साधनाएं दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है, इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय में शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही है, इसलिए तांत्रिक के लिए एक समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही भूतिया फिल्मों में दिखाया जाता है कि आधी रात का समय, उसमें दिखाया गया है कि कोई भी वारदात हुई 3 बजे के आसपास की घड़ी रुक जाती है, जिसके बाद बुरी घटनाएं होती है। वही 3 की संख्या को भी अशुभ माना गया है। कई बातों से रह सावधान। कभी आप रात को सोते वक्त समय आत्माओं की बात ना करें। ऐसे समय में कभी आप उठे तो या बाहर जा रहे हो तो चौराहे से बचकर निकले और ऐसे स्थान में ना जाए जहां बलि दी जाती है या जहां भूत भगाने का दावा किया जाता हो, या नदी, पुल, समुद्र या सड़क पार करते हो, या फिर किसी जंगल से गुजरते हो तो, या फिर अचानक से रात के 3 बजे नींद खुल जाए तो अपना काम करके स्वयं भगवान का नाम लेकर जाएं। अगर आपके साथ भी ऐसे 3 बजे तक कोई वारदात हुई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।